कुछ रेस यहां से निकली, वो इसके परफोरेशन से निकल के यहां पे गिर रही थी, उससे एलिमिनेशन आ रहा था। दे एलिमिनेटेड द जिंक सल्फाइड स्क्रीन प्लेस देयर। ओके समझा। ही नेम्ड देम एज एनोड रेस। इनका जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, सोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोड, सोर्स इज नॉट द एनोड। Instead, they originate from the gaseous region between two electrode, वहां से निकल रही थी। ठीक है, आरा सिंह में आप देखो, मैं आपको इसका एग्जैक्ट पिक्चर बताता हूं क्या है। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, राइट। दिस इज स्ट्रॉन्गली नेगेटिव एंड दिस इज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव। और यहां पर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो भी होगा। ठीक है, तो यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल्स। याद करो आपकी जो इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेस है, वो स्टार्टिंग में कहां से आती है? इन द बिगिनिंग दे ओरिजिनेट फ्रॉम इलेक्ट्रोड। कैथोड से निकली थी, राइट। होता क्या है, यहां से कैथोड रे आई एंड दे हैव आयनाइजिंग इफेक्ट। ये इस मॉलिक्यूल पे गिरती है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती है। एक्चुअली अंदर की बात बता रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगते हैं और जब इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बच गया, वो इधर चलने लगता है। तो वो था एक्चुअली एनोड रे। वो एनोड से स्टार्ट नहीं होता बट एनोड साइड से आ रहा था, इसके लिए इट वॉज नेम्ड एज एनोड रे। जी हुआ क्या था, ये कैथोड से रेज निकली, ओरिजिनेट यहां से होती, यहां से स्टार्टिंग यहां से हुई, रास्ते में एक मॉलिक्यूल मिला, आयनाइजिंग इफेक्ट होता है कैथोड रेज का, पहले बताया था मैंने आपको, जिस पे भी गिरेंगे उसको आयनाइज कर देती, आयनाइज करेंगे कैसे, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल डालती। तो रास्ते में गैस का एक मॉलिक्यूल मिला, वो कैथोड रे विच इटसेल्फ कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो उससे टकराए, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाला, वो और उसका एक इलेक्ट्रॉन आगे चल पड़े और ये पॉजिटिवली चार्ज आए इधर आने। तो ये आ रहा है एनोड साइड से और ये आ रहा है कैथोड साइड से। तो ये था सोर्स एनोड रे का। समझा सर। तो एनोड रे इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोड। एनोड रे इलेक्ट्रोड से निकल के नहीं आ रही, एनोड रे इज वेयर एनोड रे इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गैसियस रीजन, गैसियस रीजन, वो जो गैस है गैस से निकल के, राइट। सो अभी देखते हैं आगे उन्होंने क्या किया। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये एनोड साइड से आ रही है, इस साइड जा रही है, और परफोरेटेड कैथोड था तो उससे क्रॉस करके इस रीजन में गिरती है, एलिमिनेट करते हैं। सो तो गोल्डस्टीन कैलकुलेटेड ई बाय एम रेशियो निकाला, ठीक है। तो ई बाय एम रेशियो निकाला एंड ही फाउंड ई बाय एम रेशियो डिपेंड्स ऑन, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी भी सेम कैथोड रेज जैसी है बट ई बाय एम रेशियो इसका अलग होता है, डिपेंड्स ऑन गैस। कौन सी गैस आपने फिल करी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ई बाय एम रेशियो क्या आएगा। आ रहा समझ में? यस सर। हाँ सर। ओके, सो हर एक पार्टी गैस, हर गैस के लिए, हीलियम के लिए ई बाय एम रेशियो कुछ और आ रहा था, प्रोटॉन सॉरी हाइड्रोजन के लिए कुछ और आ रहा था, सबके लिए अलग अलग आ रहा था, कौन सा ई बाय एम रेशियो, राइट। व्हेन ही ट्राइड हाइड्रोजन गैस,
हाइड्रोजन गैस जब लिया हमने, तो जो जो भी एनोड रे का जो पार्टिकल होगा, मुझे नहीं मालूम क्या पार्टिकल है, दैट पार्टिकल मास वाज फाउंड टू बी मिनिमम, मास वाज फाउंड टू बी मिनिमम। देखना बड़ी अच्छे से हिंट मिल गया हमें। तो जब भी आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस यूज किया ना, तो ई बाय एम रेशियो निकाला, चार्ज मिलिगन्स एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया था, फिर मास निकाल के देगा, तो मास एकदम सबसे कम आया, एंड टू सरप्राइज इट वाज 1 ऑन एटॉमिक स्केल। एटॉमिक स्केल याद है ना, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एटम का मास मेजर करने के लिए उन्होंने एक स्केल बनाई थी, जिसमें एक एटम को दूसरे एटम से कंपेयर कर करके बताते थे। तो कार्बन को 12 एज्यूम कर लेते, उसके हिसाब से बाकी सबका मास निकालते, तो एटॉमिक स्केल बोलते हैं उसको, वन यूनिफाइड मास या वन एटॉमिक मास यूनिट, इफ यू रिमेम्बर इस वर्ड, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो उनने जब हाइड्रोजन गैस लेके देखा, तो वो जो पार्टिकल था, उस पार्टिकल का जो मास आ रहा था, दैट वाज मिनिमम अमंग ऑल द गैसेस, एंड इट वाज 1 इन एटॉमिक स्केल। फिर बाकी लोगों का मास निकाल के देखा, तो दे फाउंड दैट इट इज मल्टीपल ऑफ this case, mass in case of other gas, was multiple of mass in case of hydrogen. Hydrogen के case में जो mass आया, उसके comparison में बाकी सारे जो particles हैं, बाकी सारे जो gases हैं, उनके में उसका मल्टीपल आ रहा था, किसी में ट्रिपल, 4 times आ रहा है, 5 times, 6 times आ रहा है, 7 times आ रहा है, अलग अलग आ रहा। सर एक बार वापस सी, एनोड साइड से कुछ तो निकल के आ रहा था, एनोड रेस नाम दे दिया उसको। ओके, ये ई बाय एम रेशियो हर एक गैस का लगा रहा था, ई बाय एम रेशियो हर एक गैस का अलग आ रहा था, मतलब ये इलेक्ट्रोड का नहीं है, यहां से जो गैसेस है, गैसेस से निकल के आने वाला कुछ तो पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, इतना कंफर्म हो गया था। कैसे, कोई कहानी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा, डिफ्लेक्ट हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का पता लग गया था। ठीक है, देन ई बाय एम रेशियो सबका अलग है, हाइड्रोजन गैस उठा के देखा तो उन्होंने क्या समझा, मिनिमम आ रहा है हाइड्रोजन गैस के लिए, क्या मास, जैसे इलेक्ट्रॉन का निकाला था ना, चार्ज निकाला था मिलिगन्स एक्सपेरिमेंट से, फिर ई बाय एम रेशियो एक मेथड से निकाल के फिर मास निकाला था, ऐसे यहाँ पे भी मास निकाल के देखा, तो मिनिमम किसके केस में आ रहा था, मिनिमम वाज इन केस ऑफ हाइड्रोजन, बाकी सारे केसेस में मल्टीपल आ रहा था। हाइड्रोजन का अगर 1 आया तो किसी में 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा, जो भी आ रहा, सबके केस में मल्टीपल आ रहा था इसका मास, हाँ, चार्ज की बात नहीं कर रहा, मास। हमारे समझ में? Yes, sir. वैभव, कंक्लूड कर पा रहे हो कुछ? Yes, sir. Yes, तो कंक्लूजन इनने क्या निकाला था कि हर एक गैस के अलग अलग एटम के अंदर अलग अलग पॉजिटिव चार्ज, मतलब सॉरी ये नाम क्या दिया हमने, उन्होंने बोला प्रोटॉन होगा जो ये पार्टिकल्स कैरी हो रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन के केस में जो आया है ना, इसको उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन। हाइड्रोजन के केस में सबसे कम मास आया था, बाकी सारे केस में मल्टीपल आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये प्रोटॉन जो है, दिस मस्ट बी, ये पार्टिकल है, इस एनोड रेज कैरी
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेम्ड एज प्रोटॉन। इसका जो चार्ज है, चार्ज इस पे मेजर करके देखा था उनने, चार्ज तो सेम आया था प्लस 1.6 इनटू 10 रेस टू माइनस 19, एंड स्पेसिफिक चार्ज जो आता था ई बाय एम रेशियो आया था वो 4.58 इनटू 10 रेस टू 8 कूलम पर केजी हो जाए, नहीं नहीं सर 9.58 इंटू 10 रेस टू 7 कूलम पर केजी, इतना अंदाजे से रहता। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर, चेक कर लेना। मास दे फाउंड टू बी 1.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 27 केजी, चाहे तो यहीं पर डिवाइड करके देख लो, ये 9. जो भी हो रहा है ठीक कुछ होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। सो प्रोटॉन उनने कंक्लूड किया, उनने कंक्लूड क्या किया, अलग अलग गैसेस के एटम में अलग अलग प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी डिफरेंट एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डिफरेंट। नहीं लगा ये? यस सर। ओके, सो दिस इज हाउ प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड, राइट। देन प्रोटॉन के डिस्कवरी के टाइम से जब मासेस वासेस स्टडी करके देखा ना, तभी कुछ तो कमी लग रही थी, बट रेडियो एक्टिविटी के बाद कैडविक वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। वो कहां से आया? आया तो यहीं से शुरू हो गया था कि चार्ज और मास मैच नहीं कर रहा था। अगर एक प्रोटॉन का चार्ज इतना है, मास इतना है, तो मास मतलब अगर किसी का चार है तो उसमें चार्ज भी 4 होना चाहिए। जितना एक पे चार्ज है, एक पे एक प्रोटॉन पे चार्ज ई है, मास उसका समझो 1 mu है, तो किसी दूसरे का मास 4 mu है और उसमें अगर 4 प्रोटॉन है तो फिर चार्ज 4 ही होना चाहिए, नहीं? हाँ सर। किसी भी एटम का मास अगर 1 है तो आप कहते हो उस पे एक ही प्रोटॉन है तो उस पे प्लस 1 ही चार्ज है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर किसी पे चार, किसी का मास 4 है तो उसमें 4 प्रोटॉन होने चाहिए ना, तो उस पे चार्ज भी तो 4 ही होना चाहिए, बट ऐसा कुछ तो था जो नहीं मिल रहा था। बट एनीवेज ये चीज नहीं दी होती बुक्स में, बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ सीधा रेडियो एक्टिविटी के टाइम में ये डिस्कवरी हुई थी, किसकी? न्यूट्रॉन की, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस से या एटम से कुछ पार्टिकल्स ऐसे ओरिजिनेट होकर निकलते रहते हैं, कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, सॉरी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। बट कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो आप रेडियो एक्टिव नहीं है बट आप जबरदस्ती उनको किसी चीज से बम्बार्ड करो तो वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। जैसे उनने बेरिलियम लिया, बेरिलियम को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से, समझना है जी। मुझे नहीं मालूम कि बेरिलियम के अंदर क्या क्या है, उसने मेजर करके देखा था, उसका मास 9 था, चार्ज उस पर 4 था। अब वो क्या कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन कैसे हो गया नहीं मालूम था। अब उन क्या नोटिस किया, अगर इसको एक अल्फा पार्टिकल बोलते हैं ना, 2He4, दिस इज अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल से अगर आप इसको बम्बार्ड करते हो, बहुत हाई वेलोसिटी से इसको टारगेट करते हो, तो दिस ये जो अल्फा पार्टिकल है दैट डस मतलब इसके मतलब एटम में मर्ज हो जाता समझ लो आप, एनिलेट हो जाता समझ लो आप, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि एक बड़ा एटम बन जाए जिसका मास कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए और चार्ज उस पर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 6 जिस पर चार्ज होता है उसको कार्बन बोलते हैं, बट बना क्या? 6C12 बना है,
देखो समझना क्या लिखा हुआ है मैं जी। एक फिनोमिना प्रोसेस होता है जिसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या करते हैं हम लोग, एक एटम को किसी दूसरे छोटे पार्टिकल से बॉम्बार्ड करते हैं, राइट। समथिंग लाइक यहाँ पे समझो एक ऐसे मिट्टी का कुछ गोला रखा हुआ, आप उस पर बुलेट मारते हैं तो बुलेट उसपे एम्बेड हो जाएगी, फिर वो चलने लगेगा अलग से, उसका मास बढ़ जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं। तो बेरिलियम का एक न्यूक्लियस लिया हमने, एटम लिया, बेरिलियम का एक एटम लिया, बेरिलियम का पे चार्ज जो था दैट इज 4 एंड जो मास था उसका वो था 9। बोले ठीक है, क्या रीजन हमको मालूम है, इट वॉज बॉम्बार्डेड विद 2HE4, 2HE4 से बॉम्बार्ड किया इसको, ये दोनों एक ही बन गए, ठीक, एक ही पार्टिकल बचा बड़ा सा। एंड कैलकुलेशन शो दैट दैट द न्यू फॉर्म पार्टिकल हैड चार्ज इक्वल टू 6 units एंड मास इक्वल टू 12 units। तो आपको नहीं लगता मास डिसबैलेंस हो गया? हाँ सर, मास डिसबैलेंस हो गया। ये मास ढूंढने की बड़ी कोशिश करी गई लास्ट तक, पहले इसको एनर्जी से रिलेट करते रहे लोग, बट वो बाद में पता चला एनर्जी तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये समझ लिया उन्होंने कि कोई एक पार्टिकल निकल के भागा है। तब उनको मालूम चला कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल है। दे नेम्ड द पार्टिकल एज न्यूट्रॉन एज इट वॉज न्यूट्रल। लेटर ऑन दिस पार्टिकल वॉज फाउंड, ये पार्टिकल मिला, ठीक है, बट उसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं था। सो दे फाउंड दैट दिस पार्टिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो दे नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, उसका नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, सो दिस वॉज मतलब यही है हमारे सिलेबस के हिसाब से कॉम्पोजिशन ऑफ एटम। एटम के अंदर यही 3 पार्टिकल हैं, होते बहुत कुछ हैं बट हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ यही 3 हैं। तो क्या क्या पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। सो नाउ वी नो कॉम्पोजिशन ऑफ एटम क्या है, इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, राइट, देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दीज 3 पार्टिकल्स वर फाउंड इन अ न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड इट? जे.जे. थॉमसन। सब भूल जा चलेगा, ये ना भूलना, जे.जे. थॉमसन, फिर गोल्डस्टीन, फिर कैडविक, देन मास। मास कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। प्रोटॉन का मास इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक्चुअली 1.6749 होता है एंड 6627 होता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, भूल गया मैं, आप तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही याद कर लो, बुक में देख लेना है, थोड़ा सा बहुत स्लाइड है। थर्ड एंड फोर्थ प्लेस आफ्टर डेसिमल आर डिफरेंट। सो ये मास है, फिर चार्ज, चार्जेस −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एंड इस पे होता है नॉचर न्यूट्रल। समझा? यस सर। ओके, सो एक बार ये 3 पार्टिकल्स निकल आए तो आपको कॉम्पोजिशन तो समझ में आ गया, राइट। नाउ यू नो व्हाट ऑल पार्टिकल्स अकाउंट फॉर मास एंड चार्ज ऑफ
एन एटम, बट स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी चीज कहां कैसे अरेंज है, वो कैसे मालूम चले। नेक्स्ट चैलेंज जो था, अभी आप तो सिर्फ अभी आपको क्या मिला, कंपोजिशन मिला कि इसके अंदर क्या क्या ना, वो चीजें रखी कैसे हैं, ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, विद इन एटम हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो कैसे पता चले। तो वही है इस चैप्टर का मेन टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम बना कैसे है, ये पार्टिकल्स अरेंज्ड कैसे हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहला अर्ली मॉडल जो था, दैट वाज गिवन बाय जे जे थॉम्सन। जे जे थॉम्सन गेव हिज मॉडल वे बिफोर न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के पहले ही उसने अपना मॉडल बता दिया था, राइट। व्हाट ही सेड, बड़ा सिंपल सा मॉडल दिया उसने, बस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से उसने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा। उसने क्या बोला था, डाल्टन सेड कि एटम है, एटम इज इंडिविजिबल। इसने बोला नहीं, एटम इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज हैवी स्फीयर, मतलब यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म स्फीयर। उसने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर, मतलब हर जगह पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सेम है हर जगह, राइट। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज, एंड अंदर अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पे एम्बेडेड होते हैं, सो दैट एवरी रीजन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज। बस इतना ही आता, ही सेड एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, व्हाट ही सेड, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर यूनिफॉर्मली, सो दैट एवरी रीजन ऑफ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो एटम जो है वो खुद अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें मास पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन्स उसमें अलग अलग इक्वल स्पेसेस में डले हुए हैं, दे आर एम्बेडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, राइट। बड़ा नाम है, बड़े सारे अलग अलग नाम दिए हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर सीड्स रहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वैसे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, right? So this was the model given by J.J. Thomson. कोई explanation नहीं इसमें, बस उसने बोल लिया positively charged sphere है and electrons are embedded in the region in order to maintain the electrical neutrality. He could explain only electrical neutrality. And to be precise, उसके पहले उसके पास कोई challenge भी नहीं था explain करने के लिए, तो उसके पास कोई चैलेंज भी नहीं था एक्सप्लेन करने के, राइट। ओके, तो ये मॉडल का कहानी खत्म हो गई। चैलेंज स्टार्ट हुआ यहां से, गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट से। गीगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट, these were two characters who were assistant of Rutherford. So what they were doing, they were carrying out some experiment. What experiment it was? Alpha scattering experiment, but a famous experiment, the alpha scattering experiment. Kya kya hona hai, ek source liya, radioactive source, this was a radioactive source, रेडियम था, which emitted what, अल्फा पार्टिकल्स, राइट। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय देन दीज फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेर ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉलिमेटेड बीम, इससे कॉलिमेटेड बीम बनाए, और
और स्पीड अप करने के लिए आप इसको पॉजिटिव चार्ज और इसको नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं स्कैटर होके, बट यहाँ पे एक स्लिट जैसा कुछ, या समझ लो बेसिकली टेक्निकल वर्ड नहीं बोलता, एक छोटा सा होल बना दिया समझ लो ऐसा। तो वहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो एक बीम के फॉर्म में निकलते हैं, राइट, एक कॉलिमेटेड बीम बन जाती है इसकी, अल्फा पार्टिकल्स। नाउ दिस कॉलिमेटेड बीम वॉज मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल साइज ऑफ विच इज फ्यू माइक्रॉन, 0.5 माइक्रॉन के आसपास, 0.4-0.5 माइक्रॉन, माइक्रॉन के आसपास, बहुत थिन फिल्म होती है। तो मतलब आप समझो माइक्रॉन कितना होता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो 1 मिलीमीटर, ऑल ऑफ यू हैव सीन स्केल का आपके जो सबसे छोटा डिवीजन होता है ये सेंटीमीटर है, उसके अंदर 5 डिविजन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो एक डिवीजन है अगर आप स्केल निकाल के देखोगे तो दैट डिवीजन इज नोन एज मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को आप और 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर एक पार्ट को फिर और 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर एक पार्ट को और 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, दैट इज 1 माइक्रोन, उसका भी आधा पार्ट, इतना थिन गोल्ड फॉइल लिया था। वो इतना थिन था कि आज के पिक्चर के हिसाब से मैं बताऊं उसमें मुश्किल से कुछ ही एटम की लेयर्स होंगी, ओनली फ्यू एटॉमिक लेयर्स वुड बी एक्सपेक्टेड, ठीक है, शायद 7, 8 या 10 एटम्स की लेयर या थोड़ा सा और ज्यादा होंगी, कुछ एटम्स की लेयर ही बस है। आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? जैसे ये एक थिन गोल्ड फॉइल, तो उसके अंदर एटम्स की लेयर होंगी, तो कुछ ही लेयर्स हैं एटम की, इतना थिन है। सो थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल वाज वेरी लेस, ऑफ द ऑर्डर 0.4 माइक्रोमीटर, विच इज वेरी लेस, राइट। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल अमंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज अ बिग पार्टिकल है। जैसे अंदर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो है 1/1837 टाइम्स आसपास ऑफ प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन अंदाजे से, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो खुद होता है ना, अल्फा पार्टिकल अगर मैं बात करूं, इट्स अ हेवी पार्टिकल एज कंपेयर टू दिस वन, कैसे, इसका मास होता है 4 यूनिट्स एंड अंदाजा, एंड चार्जेस +2। एक अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है दैट इज +2 एंड जो मास है उसका +4 यूनिट्स, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल हेवी होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, इट्स नॉट एज लाइट एज इलेक्ट्रॉन, ये जो अपना कैथोड रेस के पार्टिकल्स है उनसे बहुत हेवी है ये, राइट। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इट टू डू, आप गोल्ड फॉइल से क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये गोल्ड फॉइल पे गिरने के बाद क्या करना चाहिए, ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकले या कॉलिमेटेड बीम बन गए इनकी, एकदम सीधे जा रहे थे उनको कलेक्ट करके आपने यहाँ पे इस पे बम्बार्ड करते गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होगा उनके साथ, शुड दे गो स्ट्रेट, दे विल बाउंस बैक, दे शुड बाउंस बैक, या तो मैं एज अ स्टूडेंट सोचता हूँ, मैं तो सोचता हूँ ठीक है यार यहाँ पे जाके रुक जाएंगे और क्या करने का, इसके आगे तो जाने नहीं, टकरा टकरा के वापस आ जाए, इधर उधर चित्र हो जाए, मुझे क्या करना है, राइट। एज अ स्टूडेंट तो हम यही सोचेंगे, ठीक है भाई, एज अ स्टूडेंट नहीं सोच रहे आप, एज अ साइंटिस्ट भी सोच रहे, तो दे ऑल्सो डिड नॉट एक्सपेक्टेड वॉट हैपेंड, दे एक्सपेक्टेड ठीक है कुछ सीधे निकल जाएंगे, रीजन उनको मालूम था कुछ स्पेस पेस तो होना चाहिए था, कुछ सीधे निकल जाएंगे, कुछ कुछ तो होगा, बट रिजल्ट विच वॉज फाउंड was really shocking for them. ऐसा उन्होंने zinc sulfide screen, ये वापस ऐसे zinc sulfide screen ले, तो उन्होंने notice किया कि 99.9% straight चले गया, 99.99% alpha particles. This was their observations.
99.9% alpha particles went straight. सीधा निकल गया. There was no deflection. Not even in degrees or minutes or seconds. कुछ deflection नहीं. जैसा आया सीधा निकल गया. Right? And एक दो नहीं. 99.9% alpha particles went straight. Then very few deflected by small amount. By small amounts. Yeah? Very few deflected by small angles. बहुत ही कम ऐसे हुए जो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. Right? So very few deflected by small angles. Right? Now, ये सबसे भारी चीज थी. Approximately 1 in 20,000. ये नंबर्स पे मत जाना, हर बुक में अलग नंबर लिखा रहता. मुझे जो याद है मैंने लिख दिया. तो 1 in 20,000 deviates or deflects by an angle. Deflects by an angle greater than 90 degrees. 90 degrees से भी ज्यादा बाउंस डिफ्लेक्ट हो गया. So this was his observation. क्या observation था? 99.9% of alpha particle went straight. Maximum तो सीधे सीधे चले गए. कुछ ही ऐसे थे जो थोड़ा सा deflect करते, थोड़ा सा. And 1 in 20,000 deflect by an angle greater than 90 degrees. अरे समझ में? Yes, sir. Okay. अब देखो इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे. चलो यहाँ पे काम करते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं, बाकी लोग कल कैचअप कर लेंगे, यहाँ से समझ लेंगे. बाकी यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली. रदरफोर्ड मॉडल से ही एग्जाम में भी रदरफोर्ड मॉडल से ही पूछते हैं. कैथोड रे से रेयरली कोई क्वेश्चन पूछता है, बट एनसीईआरटी में जितना लिखा है वो आपको सब पढ़ना है. ठीक है? तो ठीक है,